दोस्तों आज हम जानेंगे डर्मीफोर्ट क्रीम के बारे में। डर्मीफोर्ट क्रीम एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के त्वचा के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह आपकी त्वचा पर इन्फेक्शन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की वृद्धि को रोककर काम करता है। आगे जानेंगे इस वीडियो में कि डर्मीफोर्ट क्रीम का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। डर्मीफोर्ट क्रीम का इस्तेमाल मेनली जो है स्किन इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। यह संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है और उनके विकास को रोककर काम करता है, जिससे संक्रमण ठीक हो जाता है और लक्षणों में से राहत मिलती है, जैसे खुजली, लालिमा या सूजन जैसे लक्षण पैदा करने वाले कुछ केमिकल की रिलीज को भी ये रोकता है, ब्लॉक कर देता है। इसलिए यह दवा इन इन्फेक्शन के कारण होने वाले जो स्वेलिंग या सूजन है उससे राहत दिलाती है। बीमारी के लक्षण खत्म होने के बाद भी आपको तब तक इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जब तक इसको लेने की सलाह दी गई है, अन्यथा लक्षण वापस आ सकते। जिस इन्फेक्शन का इलाज आप करवा रहे हैं उसके उपचार के आधार पर यह कई हफ्ते हो सकते हैं। आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी आपको कभी कभी इस लक्षणों को वापस आने से रोकने के लिए इसे लगाना पड़ सकता है। आगे जानेंगे कि डर्मीफोर्ट क्रीम के साइड इफेक्ट क्या है। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डर्मीफोर्ट क्रीम के जो है सामान्य साइड इफेक्ट क्या है, जैसे इसमें आपको जलन हो सकती है, खुजली हो सकती है और रेडनेस देखने को मिल सकता है, इसके सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डर्मीफोर्ट क्रीम का इस्तेमाल कैसे करें। यह दवाई केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए है, इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि के अनुसार ही लें। इस्तेमाल करने से पहले लेबल की जांच कर लें, प्रभावित हिस्सों को जहां पे इन्फेक्शन हुआ है उसको अच्छे से साफ करें, सुखा लें, सूखने के बाद वहां पे क्रीम लगाएं। इसे लगाने के बाद अपने हाथों को धो लें। अगर इन्फेक्शन जो है हाथ पर ही हुआ है तो हाथ को ना धोएं। डर्मीफोर्ट क्रीम किस प्रकार काम करता है, इसके मैकेनिज्म को जानेंगे कि डर्मीफोर्ट क्रीम जो है कैसे काम करती है। डर्मीफोर्ट क्रीम 5 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, जिसमें है कीटाकोनाजोल, क्लिनोक्विनोल, टुलनाफटेट, नियोमाइसिन और क्लोबेटासोल। कीटाकोनाजोल एंड टुलनाफटेट एक एंटी फंगल मेडिसिन है। यह फंगी की कोशिका झिल्ली को नष्ट करके इसकी वृद्धि को मारता है और रोकता है उसको, जिससे आपके त्वचा इन्फेक्शन का इलाज हो जाता है। क्लिनोक्विनोल या जो दवा होती है हाइड्रोक्विनोलिन एंटी फंगल एजेंट होता है। यह डीएनए के संश्लेषण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और इस तरह यह संक्रमण पैदा करने वाले फंगस को मार डालता है। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। यह बैक्टीरिया में महत्वपूर्ण जैविक कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण को रोककर बैक्टीरियल वृद्धि को रोकता है। क्लोबेटासोल एक स्टेरॉइड है। यह त्वचा पर रेडनेस, स्वेलिंग और ईचिंग का कारण बनने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर के उत्पादन को रोक कर काम करता है। इस दवा की कुछ सामान्य जानकारी, जैसे इसमें क्या मिला हुआ है, कीटोकोनाजोल, क्लिनोक्विनोल, टुलनाफटेट, नियोमाइसिन, क्लोबेटासोल। इस दवा के निर्माता लिपफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी है। इसको जो है स्टोर किया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस तक। दवा से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।